अस्सलाम वालेकुम बेटा। टुडे आवर लेक्चर अबाउट एसे राइटिंग। एसे राइटिंग के बारे में हमारा आज का लेक्चर है। एसे राइटिंग होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन क्या है, तारुफ क्या है? देखिए, एसे राइटिंग, एसे डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। कौन से वर्ड से? फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है। एसेयर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एसेयर, विच मीन्स टू अटैम्प्ट अ ट्राई। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, कोई किसी चीज़ को अटैम्प्ट करना है, ट्राई करना है, कोशिश करना है, ठीक है, उसको हम ऐसे कहते हैं। राइट फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एसेयर विच मीन्स टू अटैम्प्ट और ट्राई। उसके बाद बेटा इसकी डेफिनेशन है, ऐसे की डेफिनेशन है, हॉक्सले ने लिखी है। अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट एनीथिंग। ठीक है, एक लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसा आला है जो क्या कहता है, ऑलमोस्ट सब कुछ कहता है, सब कुछ कहता है किसी भी चीज़ के बारे में। ऐसे क्या है, एलेबोरेट करता है, डिटेल्ड करता है, एक्सप्लेन करता है, डिस्क्रिप्ट करता है, बयान करता है, तस्वीर कशी करता है किसी भी चीज़ की, ऑलमोस्ट उसका उसके सर सारी सारी जो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज है ना एक चीज़ की, सारी को बयान करता है एक ऐसे जो भी है। ये इसकी डेफिनेशन है, अ लिटरेरी डिवाइस फॉर सेइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट एनीथिंग। अब बेटा इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एसे, ऐसे की क्लासिफिकेशन, वो बेटा मैं बताता हूँ आपको। वो है नरेटिव, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इधर लिखे हैं, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव और इमेजिनेटिव। इनमें बेटा नरेटिव क्या होता है? नरेटिव का मतलब बयान करने वाला, नरेट करने, नरेटर सुना है हमने, नरेट करने वाला, बयान करने वाला, बयानिया। इसमें कहते हैं गिव एन अकाउंट ऑफ हैपनिंग, ऐसा ऐसी चीज़ होती है, ऐसे में ऐसा ऐसा बयान करता है वो, कोई चीज़ हो रही है, समथिंग हैपन, गिव एन अकाउंट ऑफ हैपनिंग, हैपनिंग समथिंग, यूजेज ऑल स्टोरी एलिमेंट। इसमें जितने भी स्टोरी एलिमेंट होते हैं वो सारे इसमें इस्तेमाल होते हैं, किसमें? नरेटिव, ऐसे में बयान कर रहा है ना एक चीज़ को, बयानियाँ दे रहा है, देन क्या करेगा, सारे स्टोरी एलिमेंट इसमें बयान करेगा। फॉर एग्जांपल एन एक्सीडेंट है, वो एक ऐसे है, ठीक है, उसके बाद कहते हैं ये सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। नरेटिव ऐसे सिंपल भी है, कंपाउंड भी है, सिंपल भी और कंपाउंड भी। बात क्या है, सिंपल जो एक इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और कंपाउंड जिसमें एक इवेंट से ज़्यादा इवेंट आ जाए तो हम उसको कहते हैं कंपाउंड। क्या करना है, उसने करना है, उसको बयान ही है इसमें, ये नरेटिव ऐसे है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव ऐसे, इसमें कहते हैं गिव एन अकाउंट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स वी प्रोड्यूस, डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट पर्सन, थिंग्स, फीलिंग्स, सेंसेस, कैरेक्टर्स, ठीक है। और कहते हैं इसमें क्या कहते हैं, फिजिकली अपीयरेंस की बात करता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जाहिर करता है, तस्वीर कशी करता है किसी भी चीज़ की। वो क्या कहता है, रिप्रेजेंट किसी पर्सन को कर रहे हैं, कोई शख्स हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई फीलिंग्स हो सकती हैं, सेंसेस हो सकते हैं, करेक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जहांगीर टॉम्प, जहांगीर का मकबरा, उसके बारे में अगर कोई चीज़ ऐसे लिखना है तो वो ऐसे क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव। जहांगीर के ऐसे की जहांगीर के जो टॉम्ब है, उसका जो मकबरा है, उसकी वो तस्वीर कशी करेगा, उसकी क्या करेगा, वो तस्वीर कशी करेगा, हम कहेंगे ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। उसके बाद बेटा एक्सपोजिटरी ऐसे, एक्सपोज करना समथिंग, एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन, इसमें सारी बात एक्सप्लेनेशन में होगी, ये किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करेगा ना, वो क्या होगा, एक्सपोजिटरी ऐसे होगा, इसमें एक्सप्लेनेशन की बात होगी। फिर उसके बाद आर्गुमेंटेटिव, दलाइल देना, एस्टेब्लिश सम ट्रुथ टू रीजन दैट समथिंग शुड बी डन, किसी के बारे में दलाइल देना कि ये चीज़ हो गई है, उसके बारे में दलाइल देना और सच्चे दलाइल देना, उसको कहते हैं हम आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंट देना, ठीक है, उसको हम आर्गुमेंटेटिव कहते हैं। इमेजिनेटिव, इमेजिन, तखयल, फिक्शन, फिक्शन कहते हैं, दास्तान को कहते हैं, कहानी को कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी, देखो शॉर्ट स्टोरी होती है, इसमें दास्तान बयान करते हैं अपने तखयल में किसी भी करेक्टर के बारे में, टीचर कहता है उसमें ऐसे लिखना है, इमेजिनेटिव ऐसे लिखना है, तो क्या करेंगे हम, कहानी लिखेंगे, दास्तान लिखेंगे। यह बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एसे, इसकी 5 टाइप्स लिखी है, इधर मैंने नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटेटिव और इमेजिनेटिव। इसके बाद बेटा काइंड्स ऑफ पैराग्राफ, हम ऐसे लिखेंगे उसमें हम पैराग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इधर है इंट्रोडक्टरी, इसमें हम किसी भी चीज़ के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद होता है बॉडी या सपोर्टिंग पैराग्राफ, उन पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ अप्रोक्सीमेटली एक होता है, लेकिन जो बॉडी और सपोर्टिंग पैराग्राफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 4 होंगे 5 होंगे 7 होंगे जितने भी होंगे। उसमें जो भी हमारा टाइटल है, जो भी हमारा टॉपिक है, उसके बारे में, उसकी बॉडी के बारे में सारा कुछ बयान करेगा, जो कि इंट्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को सपोर्ट करेगा। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या होगा, नतीजे निकालेगा कि बॉडी में, बॉडी सेंटेंसेस में, बॉडी पैराग्राफ में वो क्या कहता है। सिंपल, इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी या सपोर्टिंग पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर था वो यही था, इसमें हमने ऐसे राइटिंग के बारे में पढ़ा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, आर्गुमेंटिव और इमेजिनेटिव, फिर काइंड्स ऑफ पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टरी है, बॉडी और कंक्लूडिंग है। अब सो को बेटा आपको समझ आई होगी, इसको आप अच्छे से कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर होगी बात। अल्लाह हाफिज़।